हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. कैसे हो सब आप लोग? ठीक हो? ओके, वेरी गुड. तो अभी हमें क्या, हमारा FA4 स्टार्ट होने वाला है, तो हमें अच्छे से पढ़ाई करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, खेलना भी है लेकिन साथ साथ हमें क्या करना है, पढ़ाई भी करना है. तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 6, इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट 2010, जिसमें हम यूज़ ऑफ प्रेजेंटेशन पढ़ चुके थे. पावर पॉइंट को ओपन कैसे करते, स्टार्ट कैसे करते, ये हम पढ़ चुके थे. उसके कंपोनेंट्स पढ़ चुके थे. न्यू प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करते, ये भी हम पढ़ चुके थे. उसमें टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं, ये भी हम पढ़ चुके थे. अभी हम देखते हैं सेविंग अ प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन को पता है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेव योर वर्क एट रेगुलर इंटरवल्स सो एज टू अवॉइड डाटा लॉस बिकॉज ऑफ एनी हार्डवेयर और पावर फेलियर. ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप कोई वर्क कर रहे हो, कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो, कोई स्लाइड प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप उसको थोड़े थोड़े गैप में क्या करते रहो, इंटरवल में सेव करते रहो. क्यों? अगर बाय द वे सिस्टम में कुछ हो जाता है, कंप्यूटर खराब हो जाता है या फिर लाइट चले जाती है और किसी भी वजह से कंप्यूटर एकदम से बंद हो जाता है, तो आपकी जो प्रेजेंटेशन थी, आप जो स्लाइड प्रिपेयर कर रहे थे, वो क्या हो जाएगी, मिस हो जाएगी, गुम हो जाएगी. फिर अगर फिर से लाइट आती है और आपको करना है, तो आपको इतना सारा प्रोसेस फिर से करना रहेगा. तो इससे अच्छा है कि आप उसको इंटरवल में सेव करते रहो, कि अगर अचानक से कंप्यूटर बंद भी हो जाता है, तो हमारा वो जो प्रेजेंटेशन रहेगा वो क्या रहेगा, सेव रहेगा. जितनी बार आप सेव करोगे, आपका पावर पॉइंट आधा हुआ है और आपने उसको आधे को सेव किया है, तो अगर लाइट चली जाती है और सिस्टम फिर से चालू होता है, तो आपको आधा प्रेजेंटेशन ही सेव दिखेगा. बाकी अगर आपने उसको कंप्लीट भी कर दिया, तो वो शो नहीं होगा. क्यों शो नहीं होगा? क्योंकि आपने उसको सेव नहीं किया था. तो इंटरवल्स में सेव करते रहना जरूरी है. प्रेजेंटेशन को सेव कैसे करते हैं, इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने रहेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप क्या है, क्लिक ऑन द सेव बटन प्रेजेंट ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार और सिलेक्ट द फाइल टाइप सेव ऑप्शन. क्विक एक्सेस टूल बार में आपको फाइल टाइप पर क्लिक करना है. फाइल टाइप पर क्लिक करोगे तो वहां पर आपको एक सेव ऑप्शन दिखेगा. सेव ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो आपको सेव एज डायलॉग बॉक्स अपियर, मतलब सेव एज डायलॉग बॉक्स आपको दिख जाएगा. यहाँ पर माई प्रेजेंटेशन करके नाम दिया हुआ रहेगा, तो आप चाहें तो उस पर अपना नाम भी लिख सकते हैं, या जो भी नाम प्रेजेंटेशन को देना रहे वो आप दे सकते हो. द प्रेजेंटेशन विल बी सेव्ड विद द नेम ऑफ माई प्रेजेंटेशन एंड विद द एक्सटेंशन PPTX. ठीक है, टेक्स्ट फाइल रहेगी तो PP पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टेक्स्ट के नाम से ये फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी. आप माय प्रेजेंटेशन लिखोगे तो माय प्रेजेंटेशन के नाम से सेव हो जाएगी, और अगर आप कुछ और लिखते हो, अपना नाम लिखते हो, तो उस नाम से आपको वो प्रेजेंटेशन सेव मिल जाएगी. नाउ एक क्लोजिंग एंड एग्जिट द प्रेजेंटेशन. क्लोज कैसे करते हैं, तो उसको क्लोज करने के लिए क्या होगा, क्लिक ऑन द फाइल टाइप. फाइल टाइप पर क्लिक करो, क्लोज ऑप्शन पर क्लिक करो. फाइल टाइप पर क्लिक करने पर आपको क्या करना है, क्लोज पर क्लिक करना है. द प्रेजेंटेशन विल बी क्लोज. प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. बट द पावर पॉइंट एप्लीकेशन विंडो विल रिमेन ओपन. लेकिन पावर पॉइंट जो रहेगा वो ओपन रहेगा. क्लोज क्या होगा, आपका प्रेजेंटेशन, आपकी स्लाइड क्लोज होगी, पावर पॉइंट क्लोज नहीं होगा. उसको क्या करना पड़ेगा, हमें एग्जिट करना पड़ेगा. तो कैसे एग्जिट करेंगे, ये देखिए, एग्जिट करना पड़ेगा. तो क्लिक ऑन द क्लोज बटन ऑन द टाइटल बार और यूज अल्टर फोर की कॉम्बिनेशन. आपको क्लिक करना पड़ेगा, किस पर करना पड़ेगा, क्लोज बटन पर क्लिक करना होगा टाइटल बार से, और अल्टर प्लस F4 बटन को भी आप क्लिक करके इसको बंद एग्जिट कर सकते हो. ठीक है स्टूडेंट्स, अब ओपनिंग अ सेव प्रेजेंटेशन. आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाया, जैसे अभी हमने माय प्रेजेंटेशन के नाम सेव किया प्रेजेंटेशन. ठीक है, अभी हमको उसको ओपन करना है, हमको उसको देखना है कि यार हमने कैसा बनाया है, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, नहीं तो हम उसे एडिट करके फिर से ठीक कर देंगे. तो उसको ओपन कैसे करते हैं, जिसको हम सेव कर चुके हैं. तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है इसके लिए, क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड देन क्लिक ओपन. फाइल टैब पर आपको जाना है, किस पे क्लिक करना है, ओपन पर क्लिक कर. आप ओपन पर क्लिक करोगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स फिर से अपियर हो जाएगा. इन द लेफ्ट पेन ऑफ द ओपनिंग डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन द फोल्डर दैट कंटेन्स द प्रेजेंटेशन दैट यू वॉन्ट. वहां पर आपको आपके प्रेजेंटेशन की लिस्ट क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी. और वहां पर आप जो भी आपने प्रेजेंटेशन जिस नाम से सेव किया है, आप उस नाम पर जाकर क्लिक कर दीजिएगा, तो आपकी प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी. लाइक आपने माय प्रेजेंटेशन के नाम से, तो आप माय प्रेजेंटेशन पर क्लिक करोगे. ओपन करने के बाद फाइल टाइप पर क्लिक किया, ओपन पर क्लिक किया, ऊपर पर क्लिक करके आपने माय प्रेजेंटेशन के नाम से सेव किया है, माय प्रेजेंटेशन पर क्लिक किया, तो आपकी विंडो जो है, जो आपकी सेव था, आपका जो प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई न्यू स्लाइड ऐड करना है तो आप कैसे करोगे. स्टेप 1 क्या है, सिलेक्ट द स्लाइड आफ्टर विच यू वांट टू ऐड अ न्यू स्लाइड.
पहले तो आप वो स्लाइड ओपन, इसके बाद वो स्लाइड ओपन एडिट करना चाहते हो कोई नई स्लाइड, है ना, तो पहले तो आपको वो स्लाइड सिलेक्ट करनी होगी, ओपन करना होगा. इफ यू वॉन्ट दैट द न्यू स्लाइड शुड लेआउट इज दैट ऑफ द प्रीवियस वन, देम अगर आप चाह रहे हो कि आपकी जो पुरानी स्लाइड थी सेम वैसी स्लाइड आप वो एक और एड करना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना रहेगा, होम टैब पर जाकर क्लिक करना रहेगा. वहां पर आप जाओगे, होम टैब पर क्लिक किया, देन स्लाइड ग्रुप पर क्लिक किया, वहां से आपको न्यू स्लाइड बटन पर क्लिक करना है. तो आपको ड्रॉप डाउन एरो, वहां पर एक लिस्ट दिख जाएगी, वहां से आपको क्या करना है, क्लिक करना है. तो वहां पर से जो है वो आपकी नई स्लाइड जो है हो जाएगी. ठीक है स्टूडेंट, ऑन द होम टैब क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड ड्रॉप डाउन एरो टू डिस्प्ले द अवेलेबल लेआउट. वहां पर लेआउट आपको दिख जाएंगे कि मतलब इस टाइप से जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ना, इस टाइप से लेआउट वहां पर हमें दिख जाएंगे. क्लिक डिजायर स्लाइड लेआउट, अब इस पे से आपको जो भी लेआउट चाहिए वो आप उस पर क्लिक कर दीजिए. पावर पॉइंट विल एड अ न्यू स्लाइड विद द सिलेक्टेड लेआउट ऑफ द स्लाइड पेन. पावर पॉइंट में क्या होगा, न्यू स्लाइड क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी. जो आपने सिलेक्ट की थी पहला स्लाइड जिसमें आपको एक और स्लाइड एड करनी थी, तो उसमें स्लाइड एड हो जाएगी. द न्यू स्लाइड कैन ऑल्सो बी सीन इन द स्लाइड नेविगेशन पेन ऑन द लेफ्ट. नेविगेशन पेन के लेफ्ट साइड में आपने जो नई स्लाइड एड की वो भी आपको दिखने लग जाएगी. ठीक है स्टूडेंट, नाउ वी रीड स्लाइड शो. स्लाइड शो, एमएस पावर पॉइंट प्रोवाइड द ऑप्शन ऑफ Combining all the sides of a presentation into a slide show. MS PowerPoint हमें क्या option provide करता है? Combining all the sides of a presentation. मतलब presentation की सभी slide को combine करने का हमें एक option देता है. ठीक है, it is just like the picture in a photo album. ये एकदम photo album की तरह होता है. ठीक है, it display all the sides in a presentation one by one on the screen. हमें screen पर जैसे हमने कोई album लगा दिया तो हमको एक photo, फिर दूसरी फोटो, तीसरी फोटो, इस टाइप से वो ऑटोमेटिकली चलता रहता है टीवी स्क्रीन पर. ऐसे इस पे भी वन बाय वन हमारी स्लाइड्स क्या होगी, चलती रहेगी. तो उसके लिए क्या करना होगा, मेथड वन सबसे फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, क्लिक ऑन द स्लाइड शो टैब एंड क्लिक ऑन द फ्रॉम बिगनिंग. मतलब आपको स्लाइड शो टैब पर क्लिक करना रहेगी, और किस पे क्लिक करना रहेगा, फ्रॉम बिगनिंग मतलब शुरुआत से. यू कैन ऑल्सो प्रेस F5 ऑन द कीबोर्ड स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड. आप फर्स्ट स्लाइड ओपन करके बैठ जाओ, और फिर आपको वहां कीबोर्ड पर राइट साइड पर सबसे ऊपर इधर दिया रहता है F1, F2, F3, F4 पर. आप उस पर से F5 पर क्लिक करोगे तब भी वो स्टार्ट हो जाएगा. और सेकेंड मेथड क्या होती है, क्लिक ऑन द स्लाइड शो बटन ऑन द स्टेटस बार. स्लाइड शो बटन आपने स्टेटस बार पे से क्या करा है, स्लाइड शो बटन पर क्लिक किया है, तो वहां से आपका स्लाइड शो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा. जो स्लाइड से आपने क्लिक किया होगा स्लाइड से स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है. इसकी एक्टिविटीज में आपको नोट करके व्हाट्सअप कर दूंगी, तो आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा. टिक द करेक्ट शॉप, टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, क्वेश्चन आंसर ट्रू फॉल्स, आपको व्हाट्सअप कर दूंगी. आप भी अपनी बुक में भी फिल कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा. और जिन्होंने चैप्टर 5 कंप्लीट नहीं किया, वो चैप्टर 5 कंप्लीट करेंगे, देन वो चैप्टर 6 कंप्लीट करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा और मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा. ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.